स्पेशल हो मुझे दिख भी नहीं रहा। मुझे लग रहा है लिपस्टिक तुम्हारे मुंह पर लग गई है, शायद मेरे मुंह पर भी लग गई है, पता नहीं। बुरा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझे? तुम स्पेशल हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ केले। मुझे इतना फील कोई नहीं करा था।
कैली चलो उठ जाओ। कैली 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 मैं उठ गई हूँ। गैरेट यहाँ 5 मिनट में आ जाएगा, चलो जल्दी। कैली गैरेट यहाँ 5 मिनट में पहुंच जाएगा, तुम्हें पता है वो किस तरह का इंसान है? हम लोगों ने इस नए बंदे को काम पर रखा है, इसका नाम टीजे है। ये लोग वैंकूवर से बिल्कुल सेम है, ये बस स्क्रैट और वेट स्मोक करना चाहते हैं बस। इस बंदे को कल बुखार हो गया था और अब मुझे इसकी शिफ्ट पूरी करनी पड़ी। मैं काम के बाद घर वापस जा रहा था और मैंने इसे स्केटिंग करते देखा। क्लाइंट कहाँ है? वो भी एक बेकार इंसान है। ड्रामे बाज। पता नहीं, पर उसको अचानक से पूरे वीकेंड में काम करना है, जो बिल्कुल ठीक है। उसका काम करना है? कुछ भी हो, ये एक इमोशनल एस्पेक्ट है जो दर्द देता है। तुम क्यों बोल रही हो? हाँ, तुम बोल ही क्यों रही हो? हाँ? यही है। ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। हाँ वो तैयार है, मैं जाकर उसे लेकर आती हूँ। तेजी तो हाँ, बहुत मजा आने वाला है इसमें, सच में मजा आएगा। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। इसे कॉटेज कहना ठीक नहीं रहेगा, ये एक शॉलेट है। थोड़ा ज्यादा हो गया। टॉयलेट में हमेशा पानी निकलता रहता है। क्या हम एक बाहर वाले टॉयलेट की बात कर रहे हैं? क्या यही बात है? बाहर वाले टॉयलेट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं पहले नहीं गई हूँ। आखिरी बार हम वहाँ 10 साल पहले गए थे, अब चीजें काफी बदल गई होंगी। इस बात को 10 साल हो चुके हैं। ये 10 साल पहले की बात है। और आप इसी कार में गए थे? हाँ इसी कार में गए थे। टेक्निकली इस वैन ने मुझे हाई स्कूल में काफी आकर्षित किया था। देखो क्या कह रही है, तुम्हारी माँ और बहन की तरह। ओह शिट, क्या हुआ? ओह, पर अभी हम कंट्री में ही हैं। क्या हुआ है? हम फंस गए। शिट, मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। ये कार काफी पुरानी है और काश हमें यहाँ घंटों ना रुकना पड़े। यहाँ के आसपास के लोग काफी फ्रेंडली हैं। हाँ ओह, वो यहाँ कब आएंगे? वो यहाँ पर कब आ रहे हैं? वैसे ये मेरी सोच है, बस को यहाँ से गुजरता हुआ 3 सिटी की लड़कियों को देख ले। सिटी की लड़कियाँ, क्या तुम्हें मदद चाहिए? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक, हाँ देखो ये काम कर गया। ये काम कर गया, खोला ठीक रहा। ठीक है, सरलता। बिनोमो ट्रेडर होने पर असीमित डेमो खाता साथ होना, शून्य से सब कुछ सीखने में सक्षम होना, $1 से निवेश करना शुरू करना। Binomo.com पर साइन अप करें, प्रोमो कोड फिल्म्स दर्ज करें और अपनी पहली जमा राशि पर 100% प्राप्त करें। वो लड़का कौन है? ओ ब्रूस गिलगरी, वो बगल में रहता है। वो भी हमें देख रहा है। अच्छा लड़का है।
रहा है, सब ठीक है? क्या तुम्हें ये सब अजीब लग रहा है, जैसे जो हुआ उसके इतने समय बाद वापस आना? वे बहुत पहले की बात है, ये क्या कर रहे हैं? हे गैरेट, गैरेट, गाइस, 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 ओह गाइस, नहीं नहीं, यहाँ पर लोग रहते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ कौन रहता है? मुझे तो कोई काम नहीं दिख रहा। किंग्सली यहाँ बगल में रहता है और बॉबिन वहाँ पर। सब नाम फेक लग रहे हैं। नहीं, असली लोग हैं, असली लोग हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जगह है काफी सिंपल और अच्छी है। कॉटेज, वाओ। तो यहाँ पर एक कमरा है, कुछ बेड, तुम लोग वो कमरा शेयर कर सकते हो। ये मेरा रूम है, ये थोड़ा शर्मशार है। यहाँ पर एक मास्टर बेडरूम है, ये इस घर का सबसे बड़ा कमरा है। यहाँ के बारे में एक बात है, मेरे दादाजी यहाँ कुछ महीने पहले गुजर गए थे, सच। इस कमरे में हाँ, वह सोते सोते मर गए थे। इससे कोई दिक्कत नहीं? क्या ये हॉन्टेड है? जब कोई सोएगा तो हमें पता चल जाएगा। मैं नहीं सोऊंगी। मैंने कहा ना यहीं, मैंने कहा यहाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम टॉस कर लेंगे। ठीक है, चलो करें। नहीं केली, ये अजीब है। मुझे लगता है मलीना बहुत अच्छी सॉस शेफ थी। धन्यवाद, मैं सोच रही हूँ कि ये गलत है, शायद एक बढ़िया बर्तन धोने वाली है। वाह, गेस करो। मुझे माफ करना पर सब एक अच्छे शेफ नहीं हो सकते। गैरेट, हे भगवान, मुझे सॉस शेफ के लिए ढूंढ रहे थे। ओ हाँ, तुम्हें ढूंढ रहे थे, इसका मतलब तुम्हें ढूंढा गया है। टीना ने मुझे बताया था कि ये कुछ लोग, टीना, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। टीना झूठ बोल रही है। टीना बस तुमसे काम करवाना चाहती है। टीना झूठ नहीं बोलती। मुझे लगता है वो इसे पसंद करती है। हाँ, टीना तुम पर नजर रखती है। देखो इसे, ये कितना एक्साइटेड है। वो 17 साल की बस है। करो। तुम लेटेस्ट हो। अच्छी दोस्त है। वो शायद 12 साल की है, काफी यंग दिखती है। क्या वो 18 साल की है? हे भगवान, 12 साल की है, ये अविश्वसनीय है। ये फैसले वो कानूनी तौर पर खुद ले सकती है। ओके गाइस, चलो भी, चलो भी। हे, तुम क्या कर रही हो? तुम अंदर स्मोक नहीं कर सकती? तुमने मुझे एक कुत्ते की तरह बुलाया। नहीं नहीं नहीं, बाहर जाओ। नहीं तो तुम बाहर जाओ, स्मोक करो। मलीना, ये मेरे माँ बाप का कॉटेज है। होती जा रही है। ये सब कुछ मजाक थोड़ी ना है यार। कोई बीन बैग चेयर पर लात नहीं मार सकता। रिलैक्स रिलैक्स, मैं टीना नहीं हूँ, पर टीना ये कुछ सीख सकती है। चलो भी अब। पोलर ऑपोजिट की तरह हो, कितना शोर है। ठीक, मैं समझ सकती हूँ, ये स्वाभाविक है। आप बाहर जाकर 2 कदम चल के आराम से स्मोक कर सकते हैं। हमें कुछ थोड़ी, हाँ नहीं, हे भगवान, ये कितनी एरोटिक है, मैं देख भी नहीं सकती। तभी मैं अपनी जिंदगी खुद विकसित करती हूँ ताकि मुझे ना देखनी पड़े। हे भगवान, नहीं नहीं, ऐसी चीजें। थैंक यू, वेलकम। तुम्हें पता है मुझे थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। गाइस गाइस गाइस, तुम लोगों को आना चाहिए। क्या? क्या 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 हुआ? क्या, क्या? क्या? अरे कुछ नहीं, बस सरप्राइज है।
मैंने कहा था ना यहाँ आना ठीक रहेगा। मुझे पता होना चाहिए हम उसे देख सकते हैं। ये बहुत अजीब है, तुम्हें पता है शायद उसे परवाह नहीं। मुझे अच्छा लगा, मुझे इसकी बात अच्छी लगी। मुझे लगता है ठीक है। कहानी क्या होगी, डील क्या है? 100% वो टीम हॉटोन में काम करती होगी। हाँ, और तुम्हें पता है क्या, वो उस यूनिफॉर्म में बहुत क्यूट लगती है। मुझे पता नहीं वो कौन है। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि उसकी जिंदगी, तुम जानते हो उसे? बॉस ब्रूस की बेटी। उसका परिवार इस कॉटेज में गर्मियों में आता था जब मेरा परिवार यहाँ था, और फिर जब 13 साल की थी तब उसकी माँ की डेथ हो गई, और फिर ये लोग यहाँ हमेशा के लिए रहने गए। और जब मैं पिछली बार एक बहुत ही अजीब बात, और शायद ये अफवाह है कि इसके बाप ने इसकी माँ को मार डाला। सच में? हाँ, वो बहुत अजीब था, पूरे बेकार से हालत में थे। तुम्हें पता है मैं देख सकती हूँ, मैं इसके सर पर देख सकती हूँ। तुम इसके सर पर देख सकती हो, ये मर्डर 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 है। हाँ, ये एक लियो कस्प है, और नहीं किसी हाल में नहीं कि ये कस्प है, नहीं बिल्कुल नहीं, किसी हालत में नहीं, से भरा हुआ है, ये लिया नहीं हो सकती। तुम मजाक कर रहे हो, मुझे लगता है वो टोरस है। देखो इसकी तरफ जरा लिब्रा, जैसे कि आग है जिद्दी की तरह। बिल्कुल, इसके पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? मुझे तो नहीं लगता, शायद हुआ होगा। हाँ, देखो इसे। इसको परवाह नहीं है। हे भगवान, तुम्हें मजा आ रहा है, तुम भी इससे प्यार करते हो। चलो अंदर चले, हम मेहमान है, वो यहाँ रहती है, अंदर चलो। मुझे पसंद आई, अंदर चलो। वैसे ये कितनी क्यूट है, हमें ये मुझे पसंद, ये पसंद आई। तो मैगन को पसंद करती हूँ। मैं मेगन को पसंद करती हूँ। हम सब मैगन को पसंद करते हैं। सुनो, हाँ हाँ सुनो, सब कैसा चल रहा है? मैं सोच रही थी कि हमें करना चाहिए, हमें अनप्लग करना चाहिए, और बॉन्डिंग, ये सब कुछ हमें करना चाहिए। पॉच नीचे पॉटी विकेट में। हाँ, यस। क्यों? बता दूंगा उन्हें मैं। तुम मुझे एंटरटेन नहीं कर पाओगी। हम जंगल के बीच में हैं। मैं अपना फोन नहीं ले सकती। चलो भी, मैं ये नहीं करूँगी। इमरजेंसी में क्या होगा? मुझे GPS चाहिए। GPS 911। गाइस चलो भी, बेसिक सर्विसेज। हाँ हाँ हाँ, सब सब ठीक है। हाँ, और मैं सब कुछ ठीक से बंद कर दूंगा। मुझे पता है माँ, मुझे ड्रिल पता है। हाँ, हम करेंगे। मुझे पता है सब ठीक है, और हम उससे प्यार करते हैं। लव यू। ठीक है, बाय। तो हम राइड द बस खेल रहे हैं। ये एक गेम ऑफ चांस है जो खत्म होता है गेम ऑफ रिवेंज से। ये अजीब सुनाई देता है, ये काम करेगा? बता देना कि कब पीनी है, तब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ लेंगे। कार्ड उठाओ, चलो खेलो। गो क्वीन। हाँ ठीक। हाँ ये लो। वाह, क्या ये एक पूरी ड्रिंक है? एक सिप तो ले लो। हाँ ठीक है, ठीक है। ओ गो 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 गो, समझ गए ना? 2 और 2 4, और फिर 8 और 12, फिर पोकर। हाँ, जैसे कार्ड को गिनते हैं। चलो चलो ठीक है। कैली, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैजिक वाले कार्ड लोग जो ऐसे करते रहते हैं, वो क्या है? ये 4 ड्रिंक है भगवान, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। से गलत। ड्रिंक 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 ड्रिंक। हे हे, बाहर निकलो। हे चलो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, प्लीज बाहर। मैं बाहर जाने ही वाली थी, पर मैं नहीं जा पाई। क्या
क्योंकि मैंने उसे देखा और मैं सोच रही थी कि क्या ये मैं हूँ या मैंने ये बकवास बातें की, ये मैं हूँ। मेरे लिए व्हाइट लोग हर समय क्रेजी रहते हैं। ये थोड़ा मुश्किल भी है, ये कठिन भी है। वैसे पता है मैं झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि हम यहाँ केबिन से बाहर हैं। तुम्हें मुझसे कभी झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैंने गर्ल्स के सारे एपिसोड देखे हैं। मतलब तुम हार गई? मैं हार गई? बस राइड करना होगा। तुमने बस काफी समय से सफर किया, तुमने बस क्रैश कर दी। हाँ, मैंने बस क्रैश कर दी। मैं इन चीजों में बहुत बुरी हूँ। क्या तुम ये जानना चाहती हो कोई प्लान है? नहीं नहीं, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? नहीं नहीं, मैं न्यूयॉर्क एक बार गई हूँ। बिग एप्पल? मैंने नहीं देखा, मैं बस से उतरी और मैं, अच्छा सब लोग, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जैसे ये फनी है, तीन शॉट, इसने कहा तीन शॉट्स मलीना। क्या तुम लोग इस चीज के लिए तैयार हो? ये जादू ही होने वाला है। मुझे करना है और मेरे सामने ये सब रख दिया है। यहाँ कोई उल्टी बाहर जाकर करनी चाहिए। मैं उल्टी नहीं करूंगी, हे भगवान। ठीक है, तुम्हें उल्टी करनी होगी। ठीक है, तैयार है? ठीक है, नहीं पकड़ूंगी मैं, ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करूंगी, नहीं कर सकती। ठीक है, दो, ठीक है, तीन, ओह नहीं नहीं, ये क्या था? ये क्या मुझे हुआ नहीं था? पता। ये हुआ क्या था आखिरकार? शायद पड़ोसी कुछ तो कर रहे होंगे। यूनिवर्स मुझे बता रहा है कि मैंने अच्छे से काम किया, एक दो तीन। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि तुमने, नहीं पता। मुझे लगता है मुझे जाना होगा, जाकर देखते हैं क्या है। अरे कोई दिक्कत नहीं, हम चार हैं, हम बाहर जाएंगे, देखेंगे और चेक करेंगे। मलीना मेरे साथ चलो, हथियार लेकर। तुम किससे लड़ने जा रही हो? तुम किससे लड़ने जा रही हो? कौन सा हथियार? हम लोगों से लड़ेंगे, चाकू ढूंढ लो। मैं एक इंसान से लड़ूंगी, शायद एक फावड़ा। हम ढूंढ लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है ठीक है ठीक है, हम अभी हथियार ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हम ढूंढ रहे हैं एक शार्प हथियार, हम एक नुकीले हथियार के बारे में सोच रहे हैं। मुझे कुछ मिला है, हाँ मिल गया। मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, हम क्या कर रहे हैं? तो जैसे ठीक है, ये क्लासिक है, शनेल की तरह ही। भगवान को पता है कि वो इसकी उम्मीद कर रहा है, पर मैं इसका सुझाव क्यों दूं? ठीक है, अच्छा मैं तुम्हारे लिए एक और लाई हूँ, मेरे पास एक और है। तुम्हें पता है तुम कितना सोचती हो मलीना, और मुझे लगता है लोगों को भी यही लगता है कि मुझे कभी कभी महसूस नहीं होता है क्योंकि मैं बहुत मतलबी हो जाती हूँ। पर गैरेट, किसी को मार डालेंगे। कैली, हम तैयार है, हम समझ गए, समझ गए, चलने का समय है। हे भगवान, ये अच्छा विचार नहीं था। और कोई रास्ता नहीं है? ठीक, ये सिर्फ एक कायोट है। एक कायोट? हे भगवान, ये राक्षस की तरह डरावना नहीं है। तुम लोगों ने शायद कहा होगा कि निकला होगा। इंसान को खाने वाला कायोट? क्या कायोट इंसानों पर हमला करते हैं? इंसानों पर हमला नहीं करते, वो सच में जाल बिछाते हैं। और जैसे कि एक अच्छा नहीं लग रहा। सुनो, अगर हम कायोट को मार डालें फिर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। क्या हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत है? तुम जाके अनवस ढूंढो। हे भगवान, चुप रहो। चुप रहो, हम राक्षसों का शिकार कर रहे हैं। गाइस, जीसस क्राइस्ट, देखो तुम्हें नोकदार डंडा मिला। हाँ, मैं भी यहाँ बाहर थी और काफी अच्छा था। ये अच्छा है, तुम ठीक कह रही हो। मुझे सच में अच्छा लगा, मजा आया। तारों की तरफ देखो। मुझे सच में अच्छा लग रहा है। हम लोगों को थोड़ी सैर करनी चाहिए। चलो नाइट वॉक के लिए चलें। नाइट वॉक? चलो नाइट वॉक, चलो चलें। हम बहुत डर गए थे। हे केली, चलो भी अब क्या? तुम कहाँ जाना चाहती हो? बताओ मुझे कि तुम कहाँ जाना चाहती हो? अकेले नहीं रह सकती हो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलें, जल्दी चलें।
ओ गैरेट फिर से नाच रही है, चलो पुलिस को बुलाओ। रेड कलर की बन रही हूँ, पर्पल रेड स्ट्रिप्स, मैं तैयार हूँ, चलो चलें। शादी, कत्ल, कैथी बेट्स, कैथल बेट्स, एकेडमी अवार्ड्स विनर, मेरिल स्ट्रीप। पहली बात ये टेलर टी स्विफ्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज को नहीं जानता। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है। दूसरी बात फक शब का मतलब ये कि है कि औरतें की औरतें सेक्स के लिए यूज होती हैं, जो मैं नहीं मानता। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, देखो मैं समझ गई तुम अच्छे इंसान हो, ठीक। Okay, there. ये रही तुम्हारी कुकी। Wait! रुको। Oh my God! कितने हैं ये? इसमें मजा आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है वो आवाज किस चीज की क्या थी? लाई? क्या? वो बात ब्रूस के कुत्ते की आवाज़ है। या फिर ब्रूस और मैगन रात को टहलने गए होंगे। इतनी रात में तुम मैं क्यों नहीं, मैं कर सकती? नहीं कह रही हूँ मैं इसमें नहीं, नहीं सो सकती। हाँ नहीं, अब मैं ये दोबारा नहीं कर सकती। क्या बकवास है, हे भगवान, जीसस, किसका है ये? मेरे दादाजी का असली चेहरा है।
वो मुझे वहाँ मिला। भाड़ में जाओ, हे भगवान, मैं विश्वास नहीं कर सकती। हंसना बंद करो, तुमने मुझे डरा दिया। हे भगवान, तुमने मुझे डरा दिया। नहीं, तुम लोग वहाँ कितनी देर से थे? मेरा मतलब मैं कितनी देर से बाहर था? अरे बताओ ना। मैं वहाँ नहीं था। नहीं, भाड़ में जाओ। नहीं, तुम ही थे, बस करो। क्या तुम ठीक हो? नहीं, मैं डरी हुई हूँ। मेरा मतलब मैं ठीक हूँ। ये कमरा बहुत हॉन्टेड है और ऊपर से तुम। कोई बात नहीं, मुझे एंग्जाइटी हो जाती है। कमरा हॉन्टेड नहीं है, यही मतलब है। तो क्या तुम मेरे चैम्बर मेरे साथ सोना चाहोगी? हाँ, बताओ, मेरे साथ चलोगी सोने? मेरे साथ? ये बहुत बेकार है, मुझे सवाल समझ नहीं आया। तुम मैं तुम्हारे पास ये चेहरा छोड़ सकता हूँ? नहीं। ओ, ये चेहरा मैं तुम लोगों को समय नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। गुड नाइट कैरेट। गुड नाइट। गुड नाइट कैली। गुड नाइट। ये ठीक है? नहीं, ये ठीक है। मुझे पता चल गया, मैं इसका अंत कभी भी नहीं सुन पाऊंगी। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? शायद कभी नहीं। कोई बात नहीं। तुम्हारे दादाजी वैसे कैसे मरे? ग्रैंडफादर डाइड। ये काफी डरावना है क्या? कोई डरावनी स्थिति? उन्हें हैमरेज हुआ था, वो हैमरेज की वजह से मरे। मेरा मतलब वो सो गए और फिर वो नहीं उठे। मैं हंसना नहीं चाहती थी, माफ करना। ये मेरे लिए सबसे डरावनी चीज है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं। तुम एक वैश्य हो।
Megan. Megan. Megan! Megan! Megan!
नाश्ता बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मुझे हैंगओवर हो गया है। तुमने बहुत मदद की और मैंने तुम्हारे जितने ड्रिंक नहीं की थी ये सच है, तो मैं जल्दी उठ गई। इतनी चिंता मत करो। मैं बोल रही हूँ, मैं तुम्हें कॉल बैक कर रही हूँ। सॉरी मैं तुम्हारा कॉल पिक नहीं कर पाई, हमने बहुत ज्यादा ही पी ली थी तो हाँ बस मैंने हेलो हाय के लिए फोन किया था, और जब भी फ्री हो तो मुझे कॉल बैक करना। जब मैं आंसर नहीं करती तो शायद मैं बाहर क्रॉकेट खेल रही होती हूँ, और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, और मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगी। बाय। तो तुम जाने के लिए तैयार हो? सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हमें कल के बारे में बात करनी चाहिए? Yesterday, like last night. कल रात के बारे में खास तौर पे? कोई दिक्कत नहीं, मेरा मतलब हम स्ट्रोक रॉकेट खोलने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये अजीब लग रहा है। तुम ठीक हो? क्या तुम्हें यकीन है? तुम ठीक हो? मेरा मतलब लोग इन चीजों के बारे में बातें करते हैं, पता है ना? मेरा मतलब है कि वो लोग बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मेरा मतलब मैं बाहर मिलता हूँ। हाँ, हम क्रॉकेट खेलेंगे, ये अच्छा रहेगा। मैं बाहर मिलता हूँ। नहीं गैरेट, ये बकवास खेल है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे इसके बारे में कुछ देखना होगा। हमने एक नाम सोचा है, वो कुवैत में। ये डरावना लग रहा है, देता है। मुझे पसंद हमने नहीं। नाम सोचा है, वो ग्रेट होगा। हे, व्हाट द फक? हे, यहां से बाहर जाओ। क्या हुआ? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भाई। मुझे लगा ये थोड़ा क्यूट है। ठीक है, नहीं मुझे लगा इसे क्रॉस कर सकती हूँ। तो तुम्हें इसका बैरल खोलना है, पैलेट डालनी है, निशाना लगाना है और चला देनी है। हाँ गैरेट, मुझे पता है कि बंदूक कैसे चलाई जाती है, और तुम्हें लगता है ये बहुत आसान है। हाँ मुझे पता है कि देखो, मुझे निशाना लगाने दो। हे भगवान, बिग बॉय। ये इतना आसान नहीं होता। मुझे पता है ये कितना आसान है। हेलो। हे हे केली, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? क्या चल रहा है? मैं अभी काम पर आया हूँ तो शायद मुझे फोन रखना पड़े। कंट्री की जिंदगी कैसी है? नहीं क्या, बहुत मजे की बात है। अच्छा समय चल रहा है यहाँ पे, काश तुम भी यहाँ होते। क्या तुम इन पर निशाना लगाना चाहती हो? हाँ मैं निशाना लगाना चाहती हूँ। की जगह हम पेंट के कैन निशाना बनाएंगे। पर पेंट के कैन बियर के कैन से बहुत बड़े हैं। हम तालाब पर चलते हैं। क्या तुम सच में ये चाहते हो? क्योंकि तालाब जमा हुआ है। क्या तुम चिकन हो? मैं चिकन नहीं हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि वो बस सेफ है। ठीक है चलो चलें, और मुझे दो। ठीक है हाँ चलो चलो चलते हैं, चलो। हाँ मैं बहुत मस्ती कर रही हूँ, मैं बस, ये अजीब सी जगह है और बहुत अजीब सपने आ रहे हैं। ये बस तुम्हें पता होगा, वो मुझे बहुत से आ रहे हैं। ये जगह बहुत अजीब है, मेरा मतलब मजे की जगह तो है लेकिन बहुत अजीब है। मुझे एक सेकंड के लिए फोन नीचे रखना पड़ेगा। हाँ हाँ बस एक सेकंड। ऑस्कर द ग्रोच के साथ मिल रही हो? हाँ जब से मैं यहाँ आई हूँ बहुत क्रेजी से सपने आ रहे हैं। मुझे नहीं पता बस बगल वाले घर में एक लड़की जाने किस हाल में है। ये बहुत बुरा है, पता नहीं शायद उसके डैड ने उसकी माँ को मार डाला था, बस ऐसा ही लग रहा है यहाँ पे। पर ये सच भी नहीं है,
मुझे नहीं पता कैसे ये चल रहा है। ये चीज मुझे बहुत परेशान कर रही है, यहाँ सब कुछ अलग है। केली, मुझे माफ करना, मुझे फोन काटना पड़ेगा। ये कूल है? हाँ। हे, तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो? ठीक है, पैनकेक एन के पास जाओ। हाँ हाँ, नहीं मुझे पता है कि तुम बिजी हो, बस 30 सेकंड के लिए फोन पे बात कर लो, फिर चाहे फोन काट देना। बेब, मैं सच में काम पर हूँ, मुझे माफ करना, मैं अभी बात नहीं कर ठीक सकता। है, मैं बिजी हूँ। फेंको से। ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं सच में बिजी हूँ। मैं तुमसे बस एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। मैं फोन रखने वाला हूँ 2 सेकंड में, ठीक है? हाँ ठीक है। तुमने ये पूरी तरह से मिस कर दिया, तुम्हें मुझे पेंट ब्रश भी फेंक कर देना होगा। मैंने कहा था कि मेरा निशाना अच्छा है, मुझे फेंकना अच्छे से नहीं आता। ग्लेन, हमें बात करनी होगी, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। क्या तुम मेरी बात सुनोगे? क्या तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन सकते हो? फोन पे रहो ना। बेब, मुझे फोन काटना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए? अच्छा बस 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के लिए। गैरेट रुको। चलो ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, क्या दिक्कत है? ये गैरेट के बारे में है। गैरेट, उसने क्या बकवास की है? गैरेट, केली, केली, देखो मैंने बताया था कि बर्फ सेफ है। ओह शिट। क्या आपको लगता है कि सिर्फ पेशेवर ही ट्रेड कर सकते हैं? बिनोमो पुरानी सोच को गलत साबित कर रहा है। यह अभिनव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरुआती और पेशेवर दोनों के लिए उपयुक्त है। मुफ्त प्रशिक्षण, उन्नत रणनीतियाँ, दोबारा भरने योग्य डेमो खाता, अच्छी रिटर्न वाले एसेट्स। पुरानी सोच के मुताबिक जीना बंद करो। ट्रेडिंग हर किसी के लिए उपलब्ध है। इंटरनेट पर बिनोमो ढूंढो। फिल्म्स प्रोमो कोड का इस्तेमाल करें और पहली बार राशि जमा करने पर प्लस 100% हासिल करें। गेट खोलो, प्लीज गेट खोलो। गाइस, हमें यहाँ से जाना होगा। क्या क्या? रुको रुको। गैरेट तालाब में गिर गया। आज से अच्छा पहले कभी नहीं लगा। तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं जंगल में टहल रही थी, मैं पीछे की तरफ टहल रही थी, फिर एक कार थी और मैं उसकी तरफ जा रही थी, फिर ऐसा लगा कि किसी का पैर कार से बाहर लटक रहा है और फिर वो पैर, वो एक इंसान मेरे पास आया, मेरा पीछा करने लगा। वो पता नहीं कहाँ से आया। वो पता नहीं कहाँ से आया, वो शायद वहीं रहता होगा। ब्रूस। हाँ ब्रूस, किक्सली। नहीं पता नहीं। पीछे भी कितने बेकार सी चीजें हैं और एक जानवर या कुछ ऐसा वो। अच्छा, ब्रांच देखो में... मैंने इन सब चीजों के बारे में पहले ही सोच रखा है। ठीक है, मैं चाहती हूँ तुम लोग मेरा विश्वास करो। तुम्हें पता है क्या, मैं मुझे जाना चाहती हूँ। अजीब लगा, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। चलो चलो। मुझे यकीन है कि तुम उसकी प्रॉपर्टी में होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझ पर चिल्लाया क्यों? मेरे ख्याल से हमें जाना चाहिए। हम तैयार होकर आते हैं। मैं सब कोशिश लेकर चलता हूँ। ठीक है, और अगर तुम फिर से तो हम चले चलेंगे। हाँ ठीक है, फिर अच्छा रहेगा। मैं कुछ पीना चाहती हूँ और मुझे वाइन चाहिए और बहुत मजा आएगा। अगर तुम्हें फिर भी अच्छा नहीं लगेगा तो मैं कसम खाती हूँ कि हम घर चलेंगे। ठीक है, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। देखो मैं पहले ही तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं घर जाना चाहती हूँ। अगर हम बेकार के होटल में जाने की बजाय घर चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं अपना मन नहीं बदलूंगी। ठीक है, चलो चलो, होटल जाने पर ध्यान दो। ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, होटल चलते हैं। 1 घंटे के लिए। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो ड्रिंक भी ले लेंगे। मुझे नहीं पता, मुझे मजा आएगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
ये अच्छा रहेगा। क्या मुसीबत है? हाँ मैंने कहा कि वो एक पैर पर था, उसके पैर में एक मोजा था। क्या सब ठीक है? तुम ठीक हो यहाँ? पता नहीं, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ओप्स, नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स। वैसे आपका खाना अच्छा था? हाँ, ये सब अच्छा है। ठीक है। वाओ, मैंने सोचा टाउन वाले अच्छे होंगे। उसका सारा दिन बिजी होगा, मेरा मतलब है उसे जरा अकेला छोड़ दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को अब अच्छा लग रहा है ना? चाहते आना, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? मैंने पी रखी है तो हाँ, पर मैंने एक पैर देखा मलीना। ओ हाँ, मैंने एक कटा हुआ पैर देखा। तुम्हें ऐसा लगता है? क्या मतलब है तुम्हारा? प्रूफ मैं हूँ, मैंने वो पैर देखा है, मैं सबूत हूँ। तुम्हें और क्या सबूत चाहिए? मेरा मतलब मैंने देखा। कोई गवाह इसको साबित करने के लिए है? मैं चाहती हूँ कि तुम अब चुप हो जाओ, मुझे यही पसंद है। तुम्हारा मूड ठीक हो गया? मेरा मूड ठीक हो गया। वाइन के लिए शुक्रिया, सब तुम्हारे लिए। कोई दिक्कत नहीं। ये मुझे सच में लगता है। क्या वो ब्रूस का पैर है? नहीं, मैंने ब्रूस को देखा था। ब्रूस को इसके बारे में कुछ तो पता है। क्या उसने खरीदा होगा? मुझे नहीं पता। पैर नहीं खरीद सकते। एक पैर, एक पैर। हे हे गाइस, हे, क्या हाल है आपका? हाँ हाय, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या नाम है तुम्हारा? केली। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाय, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारा क्या नाम है? गैरेट। गार्नेट, ये अच्छा नाम है। गार्नेट कितना बढ़िया नाम है। इसका नाम गैरेट है। तुम्हारा क्या नाम है? टैटी, टैटियाना। इसका नाम टैटियाना है। हाँ, धन्यवाद। तो आज का क्या प्लान है, क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, तुम आज रात क्या कर रहे हो? वैसे एक पार्टी हो रही है आज रात। नहीं, पार्टी? हाँ, जेम्स के घर में एक पार्टी है। क्या तुम्हें पार्टी पसंद है भाई? हमें पार्टी पसंद है। क्या तुम आना चाहोगे? हाँ, मेरा मतलब, मैं चाहता हूँ कि तुम सब और ये लोग हमारे साथ पार्टी में आओ। ऐसा लग रहा है आना चाहती है। चलो ये करते हैं। ये करें। हाँ, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ, हम चलते हैं पार्टी में। ठीक है, ठीक है, चलो 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 चलो। गार्नेट, तुम्हें ये पार्टी पसंद आएगी। ये रात की बात है, मेरे भाई के पास ट्रक है। मेरे पास ट्रक है, हमारे पास ट्रक है। ठीक है, ये ठीक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, तुम वहाँ पर आना चाहती हो? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। चलो ये करते हैं, चलो चलो। तुम लोग अब एक होकर मुझे परेशान कर रहे हो। नहीं, ये ठीक नहीं है। चलो अब एक ही तरीका है। कौन पार्टी में जाना चाहेगा? कौन पार्टी में जाना चाहेगा? मैं। तो तुम लोग क्या करते हो? यही सब, बस ट्रक में इधर उधर घूमना। बढ़िया, इसमें मजा आएगा। हाँ। नहीं, तुम काम के लिए क्या करते हो? काम के लिए? ये एक अच्छा सवाल है। तुम इसका जवाब दोगे? मिस्टीरियस। तुम्हें पता है, हम चीजें ठीक करते हैं, कभी कभी ये और वो करते हैं। ठीक है, हाँ, हम बस यही घूमते रहते हैं। हाँ, ये सही है। तुम लोग यहाँ अक्सर आते हो? नहीं, ये बस एक छोटी सी वीकेंड ट्रिप है और हम जल्द ही वापस जा रहे हैं। तुम लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा, सच में बहुत मजा आएगा। हम ब्रूसे किंग्सली के पीछे रुके हैं, क्या तुम्हें पता है वो कौन है? मुझे पता है कि ब्रूसे किंग्सली है। हाँ, कुछ दिन पहले। वो पागल इंसान है, ब्रूसे किंग्सली। कुछ दिन पहले मैंने उसे एक स्टोर में देखा था। वो रात में लेट घूम रहा था। वो दूध का पैकेट लेता है और छुपा लेता है, शर्ट ऊपर करता है और अपनी चेस्ट नीचे गिरा देता है। थोड़ा दूध पीता है, जमीन पर गिरा कर कहता है, ये मेरे लिए सबसे जरूरी चीज है। क्या क्या ये हुआ है, ये हुआ है? इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं पता। ब्रूस किंग्सली एक तरह का थोड़ा सनकी है। मैं तो बस उसे यही कहूँगा, वो साइकोटिक नहीं है।
क्या हम पहुंच गए हैं? हम पहुंचने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। नहीं, ब्रूस किंग्सली क्रेजी है। हम उसके बगल में रहते हैं, चिंता की बात है। मैंने उसे चिल्लाते हुए देखा था। नहीं। हाँ, वो पेड़ के पास चिल्लाता था। नेचर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ। तो हम कहाँ जा रहे हैं, किसके घर पर? हम जेम्स के घर जा रहे हैं। सच में ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलो, मैं तुम पर विश्वास कर लेती हूँ। तुम्हें करना चाहिए। पार्टी? हाँ। क्या मुझे भी मिल सकती है? तो ऐसे रात चालू होगी? ये लीगल नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो भी। जब हम ऐसे घूमते हैं, तुम लोग बेवकूफ हो? हम यही करते हैं, हम हर रोज इसी चीज को करते रहते हैं। हम जिंदगी जी रहे हैं। हे भगवान, ये एक माँ के लिए सबसे करीबी और महत्वपूर्ण चीज होती है। ये हुआ था, ये सच है। ये घर है? हाँ, अंदर जाकर देखना। हम यहाँ आ गए हैं। हाँ, ठीक है, तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। किसका घर है? कहो, जेम्स का घर है। सब लोग मस्त हैं, आराम से। मजाक कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा ज्यादा तेज बोल रहा हूँ। तुम चीता, तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ बेबी। हे गाइस, सब लोग, ये नए लोग हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मलीना, कातियाना, मरीना, तातियाना और केली। वाव, हाँ, आराम से। वाव केली, जरूर। चलो चलो, अब हम वापस जा रहे हैं। चलो, मैं समझ गया, क्या आप लोग पर्थ से हैं? मॉन्ट्रियल सिटी से। हे, रूम में जाओ। मॉन्ट्रियल? हे हाँ, मैं मॉन्ट्रियल के बारे में जानता हूँ। मुझे बताया गया था कि यहाँ बियर होगी। यहाँ बियर है? हमारे पास बियर है। ये बियर ढूंढ रहा है, प्यासा है। तुम्हारा नाम क्या है? गैरेंट। प्यासा गैरेंट, तुम प्यासे गैरेंट हो। मैं नहीं जानती मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक, मुझे नहीं लगता मैं कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल स्टूपिड है। ठीक है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि तुम्हें किसी बात से दिक्कत है, और तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कोई दिक्कत है या नहीं। चलो, उन हॉकी प्लेयर्स के साथ मस्ती करते हैं। ब्रैड थोड़ा क्यूट था और वो तुम्हें ढूंढ रहा था। वो तुम्हें प्यार वाली नजरों से देख रहा था। जो टॉल ड्रिंक ऑफ वाटर है, मेरे ख्याल से वो ऐसा लगता है 12 का है, नहीं 17 का। टेटी, क्या सब कुछ हो गया है? तुमने मुझे क्यों बुलाया? मुझे माफ कर दो। क्या क्या तुमने बाथरूम ढूंढ लिया है? हाँ। क्या सब कुछ हो गया है? मुझे माफ कर दो, मैं बस मजाक कर रहा था। मैं कैजुअल बनकर बस मस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी और को ढूंढो। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पूर हो जाओ, मुझे स्मोक करना है। फिर एक बियर पियेंगे और फिर एक शॉट। जब तुम ये कर लोगे, तुम्हें स्मोक बाहर फेंकनी पड़ेगी। ऐसा कर सकता है, एक्सपर्ट है, ये हमेशा ऐसा करता है। तो रुको, क्या उसने बाहर तुम्हें आखिरी तक रोक कर रखना होता है? ओह शिट, पियो। क्या? मस्ती करने जा रहे हैं। चलो चले मस्ती। ये बहुत गर्म है। यो, क्या चल रहा है? नई लड़की पार्टी में तुम कैसी हो? नई लड़की पार्टी सिटी में? वाली लड़की, मुझे तुम्हारे लुक अच्छे लगे। मेरे साथ ये बोतले तोड़ने के लिए कौन तैयार है? अच्छा,
यहाँ क्या चल रहा है? डेरेक क्या कर रहे हो तुम? चिल करो जो, रिलैक्स। क्या तुम इस सिटी वाली लड़की से बात कर रहे हो? वो आराम से, मैं बस सोशल हो रहा हूँ, मैं बस मिल रहा था। क्या बकवास है, तुम कितनी नाजुक हो। नहीं तुम यहाँ से जाना चाहती हो? फ्रीज इस्तेमाल कर रहे हो? तुम इस लड़की पर इल्जाम लगा रहे हो? मैं अपने भाई को इसको मारने के लिए बुला कर लाती हूँ। मेरे ख्याल से गैरेट तुमने तात्याना को देखा? मैंने देखा। तुम मेरे चेहरे से दूर क्यों नहीं हटते? तुम्हें ये पसंद आएगा, मुझे कुछ ढूंढने दो। मुझे एक सेकंड दो, एक मिनट के लिए फ्लास्क को पकड़ो, आगे बढ़ो, मुझे तुम्हारे लिए इसे ढूंढने दो। हाँ अच्छा, ये सब मुझे बिल्कुल पागल कर देगा। हे तात्याना, तुम्हें वो सब मिल रहा है जो तुम ढूंढ रही हो? हे देव, वो हे काफी समय हो गया है। हाँ ये हो गया है। मुझे माफ कर दो देव, तुम्हारा पीछा कर रहा था, है ना? कर रहा था ना? हाँ, वो ऐसे ही करता है क्योंकि वो बहुत बड़ा कीड़ा है, स्टॉकर कहीं के। मैं जैसे ही इसे जलाऊंगा तुम इसे खींच लेना, इसे स्मोक से भर जाने दो, ये बहुत बढ़िया होगा। हे भगवान, ये क्रेजी है। Pulling up slow, take that foil off and take a hit. Oh, huh. Oh, shit. मैं तुम्हें कुछ दिखा सकता हूँ? पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? मैंने तुम्हें वहाँ नहीं देखा। मैं यहाँ नहीं रहती, मैंने कुछ ही लोगों को देखा था और मेरे पास नहीं देखा, साथ आई थी मैं, लेकिन ठीक है। वैसे मेरे पास तुम्हें कुछ दिखाने के लिए है, चलो मैं दिखाती हूँ। वापस आओगी? मेरे पास कुछ नया है। ठीक है, ये एक मेकआउट रूम है, तुम जा सकती हो, अपने रिस्क में एंट्री लो। ठीक है, तो मेन डेव को हमेशा ये सब कुछ बताती रहती है। तुम स्पोर्ट्स खेलते हो? लक्रोस खेलता हूँ। चैंप्स ग्रेट एट। ये बढ़िया है, और शब्द जो मेरा वर्णन करता है, और मेरे ये स्कूल में है शायद 6 क्लास में, और मैं तब बच्ची थी, तुम्हें पता है वो चीजें अभी भी बहुत ही अच्छी हैं, पर मुझे वो सब फिर से करना है, और ग्लोरी की तरह थी, और तुम्हें पता है, और तुम बस तुमने क्या कहा? मैं क्या? कुछ नहीं। नहीं, मेरा मतलब तुम वो करने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये अच्छा है कि तुम और डेव डेट कर रहे हो। हम नहीं। जितनी देर आप फिल्म देखने के लिए बैठते हैं उतने में कोई और बिनोमो पर ट्रेडिंग से अतिरिक्त धन अर्जित कर रहा होता है। आप भी इसे कर सकते हैं। अभी बिनोमो प्लेटफॉर्म पर साइन अप करें, प्रोमो कोड फिल्म्स दर्ज करें
और अपनी पहली जमा राशि पर 100% प्राप्त करें। ये एक सीमित पेशकश है, इसलिए अभी लाभ उठाएं। अचानक से डेव के पास दूसरा और कोई है, डेव के पास मुझे नहीं लगता, और अचानक से इन सब के बाहर हूँ। और क्या तुम कितनी रेगुलर हो जैसा कि तुम्हें, और मैं वो इंसान नहीं हूँ जो जिसके साथ वो रहना चाहता है, वो मैं कुछ नहीं हूँ। मुझे याद है, सबको पता है, पर मुझे जाना होगा। नहीं मत जाओ केली। केली हम जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं। अच्छा चलो चलें। अच्छा बाय। हाँ बढ़िया, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा चलो। मलीना हम जा रहे हैं। अच्छा क्या हुआ? अरे कोई दिक्कत नहीं, बस चलो चलें। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी, मुझे मजा आया, काफी अच्छा समय बिताया मैंने। मुझे लगता है कि ये कूल है। मैं तुम्हें इन सब चीजों के लिए शुक्रिया कहूँगा, मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए और उन लोगों को घर छोड़ने के लिए। मेरा मतलब है तुम्हें पता ही होगा, घर छोड़ने के लिए ट्रस्ट की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है ये बहुत कूल है, मैं बस यही कह रहा था। रुको, मेरे दोस्त कार से पहले ही बाहर निकल चुके हैं। मैं वहां अंदर नहीं जाना, जाना चाहिए। मुझे अपना नंबर ही दे दो। तुम्हें पता होगा मैं यहाँ सिर्फ एक वीकेंड के लिए आई हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि नंबर देने से कोई फायदा होगा। ठीक है, राइड के लिए शुक्रिया, बाय। ओह शिट, इसके बारे में बात करना चाहती हो? किस बारे में बात करनी है? जो अभी हुआ, तुमने उस लड़के को मेरे सामने किस किया? इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा इसे क्या लेना देना? क्या मतलब है तुम्हारा कि मुझे इसकी परवाह है? कितना बकवास सवाल है। अरे तुम्हें इसे क्या लेना देना, मैं क्या करूं, किसे किस करूं, इससे तुम्हें क्या? हमने कल रात को किस किया था तो क्या? सोच लो कि वो सब आखिरी बार हुआ, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या वो लोग? हाँ मुझे लगता है हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि वो बहुत पुरानी बात हो रही है, ये हाई स्कूल के समय से ऐसा हो रहा है और बस चालू और नहीं हुआ। ये तुम्हारे लिए 10 साल से मस्ती भरा है। 10 साल पहले तुमने मुझे किस किया था? मैं 17 साल की थी। तुमने बताया था तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करने जा रहे हो। तुम अंदर जाते हो और मैं यहाँ बेवकूफों की तरह बस तुम्हारा इंतजार करती हूँ, और अगले दिन जब मैं उठती हूँ तो मैं शर्मिंदा होती हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मैं अपने दोस्तों की तरफ देखती हूँ। मैं डर गया था। क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊँ? प्लीज। मुझे ग्लेन पसंद नहीं। मेरा मतलब, किसको ग्लेन पसंद है? ये ऐसा है जैसे लोग कहते हैं कि वो अच्छे हैं। हाँ जैसे जैसे कि भाड़ में जाओ, अच्छा होने का हक है। सच में भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। सॉरी, हे भगवान, माफ कर दो, ये सच में बहुत अजीब है, पर मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ।
भगवान, ये कितना अच्छा है। अच्छा हमें जाना होगा, हमें जाना होगा, जल्दी करो जल्दी करो, हमें जाना होगा जल्दी जल्दी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप 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 चुप, तैयार तैयार तैयार, चलो चलो। तुम्हें पता है मुझे आज मजा आया। तेती तुम्हें ये और चाहिए क्या? हाँ तटियाना, हे भगवान। कैली, 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 वो अपने कमरे में नहीं है। ओ नहीं भगवान, गुड मॉर्निंग। क्या मुझे कॉफी की खुशबू आ रही है? हाँ, क्या तुम सेंट हो? सेंट हो? ये कितना अच्छा है। ऐसा है। गुड मॉर्निंग गैरेट, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग, तुम्हारी रात कैसी रही? बढ़िया। अच्छा हाँ। अच्छे से सोए ना? अच्छे से सोए? हाँ। बढ़िया। और अकेले? क्या ठंड लगी तुम्हें? ठंड थी या फिर गर्मी? क्या तुम्हें गले लगाना पड़ा? क्या तुम लोग ये पूछना चाहते हो कि मैं और कैली एक साथ? हम ये पूछना चाहते हैं कि हम सही सोए थे और मैंने कॉटेज में देखा था और वहाँ पर कैली नहीं थी। क्या तुमने उसके बेडरूम में देखा? हाँ, वो भी कॉटेज का हिस्सा है। तुम्हारे साथ कुछ कर रही थी तो तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ है? ये कोई गेम नहीं है जो तुम खेल रहे हो। वो शायद हाँ। चली गई होगी। चलो चले उसे लेकर आते हैं। तुम्हें पता है ना हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके प्लंग पर कूदना चाहिए। ओह, वो अपने कमरे में नहीं है, शायद बाथरूम में। चेक करो, वो शायद वहाँ होगी। मेरा मतलब मैं थोड़ी जल्दी उठ गई थी। और क्या वो हमारे साथ कोई खेल खेल रही है? केली, ये फनी नहीं है। जो बैग वो लाई थी वो यहाँ नहीं है। क्या उसने कोई कार में तो नहीं छोड़ दिया? गैरेट, क्या तुमने कार में देखा था? सामान कार में? ठीक। ओह शिट, वैन तो सीसी में है। हमने कार सीसी में छोड़ दी? जीसस। ठीक है, मैं उसके फोन पर कॉल करती हूँ। कोई बात नहीं, वो मिल जाएगी। कोशिश करते हैं हम। ठीक है, कोशिश करते हैं। हम उन लोगों के साथ वापस गए थे और फिर हम चले गए। ये अजीब है क्योंकि उसकी बैटरी खत्म ना हो गई हो। नहीं, घंटी बज रही है। क्या वो उदास थी? जैसे क्या तुमने? मेरा मतलब हमने थोड़ी बात की थी, तो मैंने उसे किस किया और वो उसके बाद एक पैक की तरह या किस तरह? ग्लेन को कॉल करो, तुम्हें पता है, हो सकता है वो उदास हो गई हो। मैं ग्लेन को कॉल करती हूँ। बढ़िया, हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे तो। अच्छा। हे ग्लेन, मेलिना बोल रही हूँ, कैसी हो तुम? कैसी हो? हम अच्छे हैं बस। क्या तुम्हारी कैली से कुछ बात हुई थी क्या? वो मिल नहीं रही। क्या वो ठीक है? नहीं नहीं, सब ठीक है। तुम्हें यकीन है? हाँ, चिंता की कोई बात नहीं। क्या उसे फिर से कॉल कर सकती हो? मैं उसे फिर से कॉल करती हूँ। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ी परेशान हो रही हूँ कि वो यहाँ नहीं है। हाँ, इसको फिर से कॉल करना चाहिए। चलो कॉल करते हैं। ये मजाक नहीं है। ठीक है, शायद उसके फोन की बैटरी चली गई हो सकता है। मैं सीधे मैसेज भेज देती हूँ। ठीक है, कोशिश करती हूँ। शायद वो सीसी में पार्टी में ना भूल गई हो। क्या तुम लोग चुप करोगे? चुप रहो। ठीक, उसका पूरा बैग यहाँ है। उसका बैग यहाँ है। उसका फोन बैग में बज रहा है। बैग में? हाँ, उसका वॉलेट भी यहाँ है। बाहर ना गई हो? ये कोई बात नहीं होती, मुझे समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करें। वो फोन के बिना सैर करने क्यों जाएगी? हमें उसे ढूंढना ही होगा। मैं टैक्सी बुला रहा हूँ। हम टैक्सी क्यों बुलाएंगे? हाँ, क्यों बुलाएंगे? हम टैक्सी लेकर कहाँ जाएंगे? क्या बात कर रहे हो? मैं टैक्सी बुला रहा हूँ यहाँ एक। ओके, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम यहाँ क्या करेंगे? हम वैन लेने जाएंगे। अगर तुम उसे ढूंढना चाहती हो तो, अगर तुम ऐसा कर सकते हो, हम उसे ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है, नहीं मैं टैक्सी बुला रहा हूँ। गैरेट, तुम टैक्सी
टैक्सी बुलाओ क्योंकि तुम्हें सीसी जाना है। हम बाहर जा रहे हैं और कैली को ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है, मैं टैक्सी बुला रहा हूँ। ठीक है, टैक्सी बुलाओ। कैली चलो भी। चलो इस तरफ देखें। केली, मैं पड़ोसियों को उठाना नहीं चाहती लेकिन मुझे पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस जाकर देखना चाहती हूँ। मलीना ठीक है, मैं वापस जाकर देखती हूँ। ठीक है, तुम वापस जाओ और मैं यहाँ पर देखती हूँ। ठीक है, केली केली क्या हुआ? तत्याना यहाँ आओ। केली केली क्या हुआ तुम्हें? उठो उठो केली, क्या हुआ, क्या हुआ केली तुम्हें? केली तुम्हें अपने आप को संभालना ही होगा, संभालना होगा। कितना खून बह रहा है। ठीक है तुम ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी। हम तुम्हें उठाते हैं, चलो। तुम्हें चलना होगा, चलना ही होगा तुम्हें, चलो। भगवान इसकी मदद करो। इसके हाथ पकड़ो। तैयार। क्राइस्ट पकड़ो, गैरेट पकड़ो, पकड़ो। सब ठीक हो जाएगा केली, सब ठीक हो जाएगा। मदद बुलाओ जल्दी। हे भगवान। 911 कॉल करो। क्या तुम ठीक हो ना? केली तुम्हें देखती हूँ। ठीक है ये इतना बुरा नहीं है बेबी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सब ठीक है। सब ठीक है। तुम और मैं इसे निपट लेंगे। तुम मेरे साथ हो, तुम ठीक है रूममेट हो तुम मेरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ठीक है केली, कुछ नहीं होगा। तुम बस मेरी तरफ देखो और मेरी बात सुनो केली, तुम ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और गैरेट ने नोए के को फोन कर दिया है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम ठीक हो जाओगी। मैं जैसे कह रही हूँ बस वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बस आ ही रहे होंगे। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। मेरी आवाज सुनो केली, मेरी आवाज सुनो। मैं यहीं पर हूं और मैं कहीं नहीं जा रही हूं। ठीक है,
कैली, मुझे नहीं पता कि कैली के साथ क्या हुआ है। काश वो जल्दी ठीक हो जाए। अगर अभी एम्बुलेंस नहीं आई तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। उसका बहुत खून निकल गया है। तुम चाय क्यों बना रहे हो? ये सबको शांत कर देगी। गैरेट, मुझे नहीं लगता कि तुम समझ पाए हो कि कैली। तुम क्या कर रहे हो? क्या क्या? कैली ठीक नहीं है। मलीना, गैरेट, हाँ गैरेट गया है। वो क्यों चला गया है? उससे मुझे किस करने की कोशिश की और मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, शायद वो बाहर होगा, शायद, मुझे नहीं पता। और चलो एम्बुलेंस लेकर आओ, जल्दी जाओ, कैली बिल्कुल ठीक नहीं है, शायद कैली मर भी सकती है। तुम्हें इंतजार करना होगा, वो आ रहे हैं। बाहर गया है। तुम उठो। मुझे नहीं पता, मैं उठ नहीं सकती, मुझे उठना होगा। नीचे हो जाओ, नीचे रहो। उसे ये किया, इसी से हमला किया। हमें शांत रहना होगा। अच्छा, वो देख लेता है। नहीं, हमें गैरेट को बताना होगा, हमें उसे बताना ही होगा। नहीं, मलीना, गैरेट, वो कितनी सुंदर थी। मुझे पता है, मुझे, मैं उससे प्यार करता था, मैं जानती हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, हमें जाना होगा। तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? गैरेट, बस करो, मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर।
चलो अब नहीं क्या कर रहे हो? तुम्हें मदद करनी होगी। क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? वो लड़की सबको मार रही है। नहीं नहीं, उसने मेरे हाथ में काट लिया। ठीक है, मैं किसे मदद कर सकता हूँ? मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे हैमर दो। नहीं, 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 मेरा मुझे मेरा चाकू चाहिए। कुछ भी हो जाए अब, कुछ भी हो जाए, हम और क्या कर सकते हैं? हमें कुछ करना होगा।
तौर पे।